हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो उसको कैसे पा सकते हैं। उसको गुम होने से पहले पहले आपको ये अपने मोबाइल में सेटिंग करके रखनी ही रखनी होगी। अगर आप अपने मोबाइल में ये सेटिंग करके रखते हैं तो आपका मोबाइल चोरी होता तो आसानी से आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में पूरा स्टेप सीखेंगे, कौन सा एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड करना सीखेंगे, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने एक एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के गूगल की एप्लीकेशन को फाइंड डिवाइस वाले आप हमने यहाँ पे कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार से इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब आपका जो मोबाइल चोरी हो गया है, अभी यहाँ पे बता रहे हैं अगर आपको सेटिंग करनी है तो कुछ इस प्रकार से अपने आपको लॉगिन करके उस वाले पे रखना है। अब जो आपका मोबाइल चोरी हो गया उसकी जीमेल आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना होगा। देख सकते हैं ये मोबाइल से हमारा जो चोरी हुआ है उसमें ये ईमेल आईडी पड़ी थी, तो हमने ये ईमेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। देन कंटिन्यू एस टेक्निकल वाले पे क्लिक करेंगे। अब हमें उसका पासवर्ड यहाँ पे डाल देना होगा। चलिए हम यहाँ पे उसका पासवर्ड डाल दे रहे हैं। यहाँ पे अगर सिक्योरिटी रीजन से ब्लर हो रहा है, ब्लैंक आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा। देन हमें क्या करना होगा, साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे हम साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं आपकी डिवाइस फाइंड हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं आपकी डिवाइस फाइंड हो गई है। अब ये लोकेशन दिखा रहा है कि आपकी डिवाइस कहाँ पर है। यहाँ आप देख सकते हैं ये लोकेशन दिखा रहा है कि आपकी डिवाइस यहाँ पे है। उसके बाद देखेंगे Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस है, इफ़ इन योर हैंड में है, किसी के हाथ में। बैटरी की अगर बात करें तो देख सकते हैं ये बैटरी इतने परसेंट बैटरी है इसमें, वोडाफोन का सिम पड़ा है। तो अब क्या कर सकते हैं, आप उसके मोबाइल में जहां चोरी हो गया जिसके हाथ में होगा वहां पे एक साउंड आप प्ले कर सकते हैं। अगर आसपास कहीं होगा तो खुद ही बजने लगेगा उसमें, तो प्ले साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वहां पे एक साउंड आप प्ले कर सकते हैं। सिक्योर डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको एक मैसेज भी दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप एरेस डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो मोबाइल आपका खो गया है उस मोबाइल का पूरा डाटा आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक साउंड दे के देखते हैं। प्ले वाले साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं एक साउंड उसके वहाँ पे पहुँचने लगा, ठीक। ऐसे साउंड बजता ही रहेगा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से साउंड बजता ही रहेगा। इस साउंड को स्टॉप करना तो हम स्टॉप साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं साउंड स्टॉप हो गया, बैक करेंगे। अब हम यहाँ पे अगर मैसेज उसको भेजना चाहते हैं, एक सिक्योर डिवाइस का मैसेज भेजना चाहते हैं, तो हम सिक्योर डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लॉक स्क्रीन मैसेज और फोन नंबर, तो यहाँ पे हम एक मैसेज जिसे उसको डालेंगे यहाँ पे लॉक स्क्रीन कर देंगे, यहाँ पे लॉक हो जाएगी उसकी स्क्रीन। उसके स्क्रीन पे एक मैसेज दिखाई देगा कि यहाँ पे हमने लिख लिया प्लीज रिटर्न माई मोबाइल और यहाँ पे हमने अपना नंबर डाल दिया। उसके बाद हमने सिक्योर डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे हम सिक्योर डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके मोबाइल पे एक पॉपअप जाने लगेगा कि प्लीज रिटर्न द मोबाइल और सिक्योर डिवाइस। तो कुछ इस प्रकार से आप वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे लॉक उसकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करके रखिए। बाय चांस कभी आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या आपसे गुम हो जाता है या घर ही में कहीं रखा रहता है तो आप अपने डिवाइस को फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।